आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था। उसमें मैंने आपको अलग अलग जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है या वर्क परमिट के बारे में मैंने आपको उसमें प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताया था। उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जब आप कनाडा चले जाते हैं या कनाडा में आप अपने लिए कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं। क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि जॉब के लिए आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए और साथ में LMIA भी चाहिए। तो देखिए LMIA है जो वो बहुत कॉस्टली होती है, उसके लिए काफ़ी जो एजेंट्स हैं, जो कंसल्टेंट है और लॉयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो कैसे ढूंढ सकते हैं कि हमें जो ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाए जिसने ऑलरेडी LMIA अप्लाई की हो और हम उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएं और वहाँ से हमें जॉब ऑफर भी मिल जाए और LMIA भी मिल जाए और हमारा काम आसान हो जाए और हमारे पैसे भी ज़्यादा ना लगे। तो उसके लिए आज मैं आपके सामने जो ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल के पेज पे जाके हम उसके सर्च बार में यहाँ पे लिखते हैं जॉब बैंक कनाडा। जैसे ही आप इसको सर्च में डालेंगे तो यहाँ पे नीचे ये वाला पेज खुल जाएगा और इस पे आएगा जॉब बैंक। तो यहाँ पे जैसे ये लिंक है www.jobbank.gc.ca, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है जॉब बैंक की, तो उसमें ये जो है होम पेज खुल जाएगा। इस पे आप देख सकते हैं कि आज जो है यहाँ पे कनाडा में 1,07,878 जॉब ओपनिंग एडवर्टाइज है। तो आप इस वेबसाइट में जाके अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब सर्च कर सकते हैं। पर क्योंकि हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, हम एक एज ए फॉरेन वर्कर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ नीचे जाके आप यहाँ पे टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये देखिए आप साफ साफ लिखा होगा कि सर्च जॉब फ्रॉम कैनेडियन एम्प्लॉयर हु वॉन्ट टू रिक्रूट टेम्पररी फॉरेन वर्कर, दीज एम्प्लॉयर्स हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड और अप्लाइड फॉर ए LMIA दैट इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी LMIA अप्लाई की हुई है, इसका मतलब ये है कि ये फॉरेन वर्कर्स हायर करना चाहते हैं। तो इसके इस कैटेगरी में 4,546 जॉब पोस्टिंग आज एडवर्टाइज्ड है। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। इस पे जितनी भी जॉब्स हैं जिन एम्प्लॉयर्स ने फॉरेन वर्कर्स को हायर करना, उनकी जो जॉब लिस्टिंग्स है इसमें दी होगी। ये देखिए इस तरह मतलब अलग अलग कैटेगरी की जॉब्स इसमें एडवर्टाइज की हुई है, जैसे एपीएरी टेक्नीशियन है, फार्म वर्कर सुपरवाइजर, लैंडस्केपिंग फॉरमैन वुमेन, ग्रीन हाउस लेबरर, इस तरह हर तरह की जॉब इसमें एडवर्टाइज है। आप अपने क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसमें से अपनी जॉब सेलेक्ट करके वहाँ पे आप एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली उनके टच में आके अपनी जॉब ऑफर लेटर और LMIA ले सकते हैं। तो चलो हम इसमें जैसे ये अभी ये मैं देख रहा हूँ एक जॉब एडवर्टाइज है टाइल सेटर की। टाइल सेटर मतलब जो लोग टाइलें लगाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब है। तो जिनको टाइल लगाने की नॉलेज है या जो ये काम करते हैं जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो वो इस तरह की जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पे जॉब मिलने के बहुत चांसेस है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज ओपन हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पहले तो एड्रेस दिया वो एम्प्लॉयर का, फिर उसके बाद जो सैलरी है, जो इसमें ये सैलरी है वो इसमें बताई हुई है $26 आवरली, और मतलब फुल टाइम जॉब है या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है फुल टाइम, और 40 आवर्स पर वीक आप इसमें काम करेंगे और आपको जो सैलरी है $26 पर आवर के हिसाब से दी जाएगी। तो अब हम नीचे जाके देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी LMIA अप्लाई की हुई है क्यों, ताकि वो एक फॉरेन वर्कर को हायर कर सकें। तो इसमें उन्होंने बताया भी हुआ है कि कौन कौन से लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट्स है जो कैनेडा के, वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा नंबर पर लिखा हुआ अदर कैंडिडेट विद और विदाउट ए वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट, और जिनके पास वर्क परमिट नहीं है, अगर वो आप वहाँ पे ऐसे अगर आप वहाँ पे ऐसे विजिटर हैं या किसी और स्टेटस पे हैं तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एम्प्लॉयर आपको हेल्प करेगा, LMIA लेके देगा। और एक तो एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी इसमें LMIA अप्लाई की हुई है, उस केस में ये आपकी हेल्प करेंगे आपको यहाँ पे जॉब लेने में और LMIA आपको दिलाने में पूरी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने LMIA के लिए
अप्लाई कर दिए और उन्होंने अपना जो मन है वो बनाया हुआ कि आप एक फॉरेन वर्कर को उन्होंने हायर करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं देखते हैं और कौन कौन सी जॉब इसमें एडवर्टाइज्ड है। आप देख सकते हैं बड़ी तरह की जॉब है, फूड सर्विस सुपरवाइजर, हाउस कीपिंग की जॉब भी है, रूम अटेंडेंट की जॉब भी है। देखिए इसकी भी सैलरी अच्छी है, $21 to $25 पर आवर ये सैलरी दे रहे हैं। अब हम नीचे चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं ये देखते हैं कारपेंटर ज्वाइनर, कारपेंटर की जॉब है ये, यहाँ पे एडवर्टाइज हुई है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये काफी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, $32.76 पर आवर के हिसाब से आपको पे कर रहे हैं। तो हम इस जॉब को देखते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और मतलब ये कहाँ पे सिचुएटेड है। देखिए ये क्यूबेक सिटी में, ये जो एम्प्लॉयर है क्यूबेक सिटी से है और वहां से इन्होंने एडवर्टाइज किया। तो ये जैसे कि आपने पहले देखा है $32.76 पर आवर के हिसाब से ये पे करेंगे। ये भी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम जॉब है ये, आपको आप आपके लिए जो है ये एम्प्लॉयर हायर करेगा आपको। तो इसमें भी इन्होंने LMIA ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और इसमें भी उन्होंने बताया होगा कि कौन कौन लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं, कैनेडियन सिटीजन और परम PR को तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते ही हैं, और बाकी अगर जिनके पास वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट नहीं भी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वहाँ पे विजिटर वीजा पे भी हैं, टूरिस्ट वीजा पे भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये जॉब बैंक के ऊपर आती रहती हैं, आप इसको सर्च करते रहिए और अपने लिए अच्छी सी एक जॉब ढूंढ सकते हैं, LMIA ले सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं कुछ और जॉब देखते हैं। देखिए एक ये भी जॉब है, ऑपरेशन वाइस प्रेसिडेंट चाहिए इनको कंपनी के लिए, ये कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके लिए इन्होंने एडवर्टाइज किया। हम इसको देखते हैं कि ये जॉब इसमें क्या क्या चीज है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम इसको अभी इसको क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो जॉब प्रोफाइल है ऑपरेशन वाइस प्रेसिडेंट का प्रोफाइल है और ये गुड्स प्रोडक्शन यूटिलिटी ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन में डील करती है ये कंपनी, और यहाँ पे ये कंपनी का नाम भी दिया हुआ है। तो ये वैनकूवर BC में लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो है ये $55 पर आवर के हिसाब से आपको पे करेंगे। ये भी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसमें ज्वाइन करके आप एज सुन एज पॉसिबल आप स्टार्ट कर सकते हैं जॉब। और इसमें आप इसमें भी देखिए ये इन्होंने ऑलरेडी LMIA अप्लाई किया हुआ है और ये रेडी है फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए। और अगर आप इनको अप्लाई करते हैं इनके पास और आपका जो प्रोफाइल है इनकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर जाता है तो ये आपको इजीली जॉब ऑफर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे LMIA लेने में और आपको यहाँ पे सेटल करने में। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इनकी जो एप्लीकेशन था ये कैनेडियन सिटीजन और PR से तो ले ही रहे हैं, और अदर जो लोग हैं जो जिनके पास वर्क परमिट नहीं है उनके उनसे भी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको भी ये चांस दे रहे हैं यहाँ पे जॉब करने की। तो इसके बाद हम चलते हैं कोई और जॉब देखते हैं, दोबारा वापस चलते हैं देखते हैं कि और कौन सी जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए अब जॉब इतनी तरह की अवेलेबल है, आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। देखिए लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर की जॉब भी अवेलेबल है, इसके बाद फार्म वर्कर की अवेलेबल है। देखिए इसके बाद हम ये वाली जॉब देखते हैं मास्टर शेफ की, जैसे जो लोग शेफ हैं, जो लोग कुकिंग में हैं, जो अच्छे कुक हैं उनके लिए भी ये जॉब अवेलेबल है। देखिए मास्टर शेफ की जॉब है और हम इसको क्लिक करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ लोकेटेड है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये ओंटारियो में ही लोकेटेड है। तो इसमें जो है वो आपको यहाँ पे पूरी सैलरी दी हुई है, बाई वीकली सैलरी, मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये मतलब 2 हफ्ते के बाद आपको पे करेंगे $2,140 से लेके $2,780 के बीच में आपकी सैलरी होगी। बाई वीकली मतलब 2 हफ्ते के बाद आपको ये पेमेंट दिया करेंगे और 80 आवर्स की ये सैलरी है। तो ये भी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम है। और इसमें तो ये इसमें उन्होंने बाई वीकली मतलब हाफ मंथ की सैलरी इसमें बताई हुई है, जैसे आप इसको डबल कर लेंगे तो ये पूरे मंथ की सैलरी आपको पता लग जाएगी। तो इसमें यह है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरह की काफी जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं जिसमें एम्प्लॉयर्स ने ऑलरेडी LMIA अप्लाई किया हुआ है। इसमें भी देखिए उन्होंने LMIA अप्लाई किया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं इनका सारी जो है स्पेसिफिकेशन दी हुई है, ओवरव्यू दिया हुआ है, लैंग्वेज लैंग्वेजेस मतलब उनको लैंग्वेज आपको इंग्लिश आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी दिया हुआ है, और एक्सपीरियंस इसमें इन्होंने मांगा कि 5 साल का एक्सपीरियंस या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो इसके बाद जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स में ये जो ऊपर सैलरी है उसके अलावा आपको बोनस भी मिलेगा और कमीशन भी मिलेगा और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी मिलेंगे। और ये ये नीचे अदर बेनिफिट्स में सारे देखो लिस्ट दी हुई है क्या क्या बेनिफिट्स ये आपको देंगे। उसके अलावा अगर आप इसमें इसके नीचे आप जाएंगे बिल्कुल इसी जॉब एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी वही रिक्वायरमेंट है कि ये कैनेडियन सिटीजन और पीआर को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। हर एम्प्लॉयर वहाँ पे देता ही है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस। और इसके अलावा भी वो जो जिनके पास वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट नहीं है उनको भी ये वेलकम कर रहे हैं। और अगर आपका प्रोफाइल इनकी रिक्वायरमेंट के से मैच कर जाता है, अगर आपको आपकी क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस इनको ठीक लगता है तो आपको भी ये जॉब ऑफर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की जॉब ऑफर्स हैं वो एडवर्टाइज होती रहती हैं। अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे ऐसी जॉब्स को सर्च करेंगे तो आप इजीली कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाएगी और जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी आपके एक्सपीरियंस और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा और आपको पता लग गया होगा कि जॉब आपने कैसे सर्च करनी है और ये कहाँ जाके आपने इन कौन सी वेबसाइट से ये जॉब सर्च करनी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इस वीडियो से ज़्यादा फायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं जो इस वीडियो के ऊपर मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप मेरे को फ़ोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे को ऑफिस में मिल सकते हैं और मेरे से अपनी जो है कैनेडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल या किसी भी कंट्री की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा आपकी फ़ाइल बनाने में। तो इसके अलावा अगर आपको आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो आप मेरे को इसी फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी उसके बाद भी कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए आपके बेनिफिट के लिए कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीजा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके बाय।